हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंगूर की होममेड किशमिश। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अंगूर चाहिए। अंगूर को हम अच्छे से धुल लेंगे, फिर इसके बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े अंगूर होंगे उसे सब एक तरफ कर लेंगे, जिसमें ना कोई दाग हो ना कोई कट हो। उसे सब निकाल के हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे अंगूर निकाल लिए एक प्लेट में। अब देखिए आगे क्या करना है। हम एक थाली लेंगे या परात लेंगे जिसमें छेद हो, उसमें हम सारे अंगूर को डाल देंगे और उसे पूरे एक लेयर में सेट कर देंगे। इसको कोई भी अंगूर एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है, पानी को हम बॉईल कर लेंगे। पहले हमने इसे ढक दिया है कि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने अंगूर लिए हैं और उसी कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब इसको दोबारा से ढक देंगे। देखिए हमारे बॉईल हो चुके हैं। कम से कम इसे 10 या 15 मिनट लगेंगे सिर्फ बॉईल होने में। मिनिमम 10 मिनट ही लगते हैं वैसे। हमने इसे बॉईल कर लिया। अब हम इसे थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपके, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं बॉयल होने के बाद में। हमने कॉटन का एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हम अंगूर को सब डाल दें। कॉटन कपड़ा हमने इसलिए लिया है इसमें सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए। हम इसमें धूप लगाएंगे। मिनिमम 2 दिन की धूप चाहिए होती है। मैं आपको दिखाऊंगी। 1 दिन की धूप के बाद ये इस तरीके की कुछ लगेंगे और दूसरे दिन की धूप के बाद ये इस तरह की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी होममेड किशमिश बनके रेडी हो चुकी है।